तामे जैसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में, तो हाँ समझ गए हो गए आप लोग, जानते हैं, धन्यवाद। तो देखो इसी प्रकार से, समय बहुत थोड़ा है संक्षेप में, और थोड़ा सा ही कहेंगे, बस बंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत धैर्य धारण किया है, आपके अंदर विद्यार्थी और शिक्षक बनने के सभी गुण हैं। हाँ तो देखो, और अपनी वाणी का हमेशा संयम रखना है, एक बात ध्यान में रखना है, वाणी को संयम में रखना है, अपनी जिभ्या को संयम में रखना है। वाणी को संयम में कैसे रखना है कि अति का भला न बोलना, अति की बली न धो, और इतना ही समझ लीजिए, अधिक का भला न बोलना, अधिक नहीं बोलना चाहिए, और अधिक चुप भी नहीं रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयित, अति सर्वत्र किसी भी बात की अति करोगे तो समझ लेना अति से विनाश हो जाता है। तो हम इस बात को समझा रहे हैं आपको कि वाणी का संयम होना चाहिए। और जीव से, एक और जीव के अंदर गुण है स्वाद लेने का, यदि जीव से ज़्यादा स्वाद लोगे तो स्वास्थ्य को हानि होगी, स्वास्थ्य का नुकसान होगा, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी जीव को स्वाद लेने की जो क्षमता होती है, कहने का मतलब अच्छा लगने वाली चीज़ को ज़्यादा खा जाओगे तो वो भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए जीव को विशेष ध्यान में रखना है और इस जीव का सदुपयोग करना है। विद्या विवादाय धनम अदाय, विद्या होते हुए भी यदि दुष्ट है व्यक्ति कोई तो उसने जीव का उपयोग क्या किया, जीव से विवाद करेगा। विद्या विवादाय धनम अदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट के पास विद्या आ गई तो विवाद करेगा, और दुष्ट के पास शक्ति आ गई तो दूसरों को परेशान करेगा, और यदि सज्जन के पास विद्या आ गई तो क्या करेगा, दान करेगा विद्या का, समझे, दूसरों को शिक्षा देगा। ज्ञान आए दान आए, और धन आ गया तो क्या करेगा, दूसरों को दान देगा। इसलिए आप लोग अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। एक सदुपयोग शब्द को अच्छी तरह से याद कर लें, सदुपयोग का हमेशा ध्यान रखना है। और सदाचार, सद शब्द जो है जहाँ लगा हुआ है, सदाचार, सदुपयोग, ये सदुपयोग करोगे समय का तो जीवन आपका सुख में व्यतीत होगा, और सदुपयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग मेरी बात को ध्यान में रखते हुए सरस्वती माँ के प्रकटोत्सव पर, और ये प्रोग्राम और भी है, साइकिल समारोह, हाँ साइकिल वितरण समारोह भी है, और बसंतोत्सव है। बसंतोत्सव जानते ही होंगे, शुक्ल पक्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंतोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाँ जुट जाएं, और किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य के लिए पीछे ना हटें, और अपनी इच्छा, उद्योग, प्रारब्ध, तीन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कर्म हमारा है दृढ़ इच्छा शक्ति, और दूसरा नंबर है उद्योग हमें करना होगा। उद्योग आप लोग कर ही रहे हैं, उद्योग का मतलब है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना, अपने कर्तव्य पर डटना उद्योग होता है। तो इसलिए उद्यम करोगे तो सफल निश्चित हो जाओगे। इतने ही शब्दों के साथ आज हम वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि आपकी निगाह जो है दूसरी तरफ है, और जब निगाह दूसरी तरफ है तो हम समझ भी रहे हैं कि निगाह उधर है, और आपको दोष नहीं है कि आज 3-4 घंटे हो गए बैठे बैठे, हम आपके लिए आपकी बार बार प्रशंसा करेंगे और आपके लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया है सरस्वती माँ के लिए, और सरस्वती माँ आप पर प्रसन्न होकर के अगले वर्ष आपको प्राथमिक शिक्षक बनाने के लिए तैयार बैठी हैं,
और इनसे अपना वरदान मांग लीजिए। ये कहो कि इतना मैंने समय दिया है तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति अवश्य करें। और जो लोग शेष रह गए फूल चढ़ाने के लिए वो न चढ़ा पाए तो मन में निश्चय कर लीजिए कि हमने फूल चढ़ा दिए, माँ स्वीकार कर लो। समझ रहे हो? मन से ही चढ़ा दीजिए। और मन से तुम किसी को मान जाओगे तो वो खुश हो जाएगा। कोई भी देव ऐसा नहीं है जो मन से कहने पर प्रसन्न ना हो। मन लगा करके उनकी आराधना कर लीजिए। आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने फूल नहीं चढ़ा पाए तो हमें पीछे रह गए। ठीक है, बस इतने ही शब्द के साथ सरस्वती माँ की जय।